बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज यकम शबान है, माशाल्लाह शबान का चांद चढ़ गया है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपको पता ही होगा कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, और इसके बाद अगला महीना रमज़ान का है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के सारे रोज़े रखने की और दीगर बातें करने की तौफीक ता फरमाए, बल्कि हमें अभी से पाबंद बनाए। जो लोग पाबंद नहीं हैं कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपने ज़िंदगी गुजारें और नमाज़ रोज़ा इन चीज़ों की पाबंदी करें। तो रमज़ान में जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग उमरा करने जाते हैं सऊदीया में, और रमज़ान के दिनों में उमरा ज़ायरीन का हरम पाक में बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए उमरा को हज असगर भी कहा जाता है। उमरा के मानी लुगत में ज़्यारत के हैं, यानी ज़्यारत। और शरीयत की इस्तलाह में मिकात से एहराम बांधकर बैतुल्ला का तवाफ और सफ़ा व मरवा की सही करने को उमरा कहते हैं। हरमैन शरीफैन में उमरा और हज के इस अमल को आसान बनाने के लिए ग्रैंड मॉस्क गेट्स डिपार्टमेंट के निगरान सैफुल सलामी ने ऐलान किया है और कुछ नए कवायद व ज़वाबत मुतारफ करवाए हैं। इनका मकसद ये है कि उमरा ज़ायरीन के तवाफ की रसमात और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करते हुए इनकी हिफाजत और राहत को यकीनी बनाया जाए। ये तमाम इकदाम एक वसी तर इकदाम का हिस्सा हैं, जिसका मकसद हमवार हज की सहूलत फराहम करना है। इन इकदाम के तहत इस अजीमुल शान मस्जिद यानी हरम पाक में बड़े बड़े थैलों, खाने पीने की कुछ अशिया के ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू के दौरान अलस्लामी ने जोर देकर कहा कि पाबंदी किसी भी ऐसी चीज़ों तक है जो मुमकिन तौर पर हजाज के तजर्बे को मुतासर कर सकती हैं। इस सिलसिले में बड़े बड़े ट्रैवल बैग्स पर ख़ास तौर पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये भीड़ वाले इलाकों में हिफाजत के लिए ख़तरा है। और इन ममनुआ चीज़ों में कॉफ़ी, खजूर और पानी के अलावा दीगर तमाम खुराक और मशरूबात वहाँ पे अलाउ नहीं है हरम पाक में ले जाना। यानी आप अपने साथ पानी की एक छोटी बोतल या कॉफ़ी और कुछ खजूरें ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप दीगर चीज़ें अपने साथ खाने के लिए नहीं ले जा सकते, क्योंकि इससे हरम पाक में मेरा ज़ाती तजर्बा है कि लोग नीचे फर्श पर काफ़ी ज़रे या गंद फैला देते हैं, जिनमें कई दफ़ा शीशे की किरचियाँ, छोटी छोटी किरचियाँ भी शामिल होती हैं, जो कि दूसरे ज़ायरीन के लिए उमरा या हज ज़ायरीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, उनके पाँव में लग सकती हैं। इसके अलावा तेज़ इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ पर ले जाने अब अलाउ नहीं हैं, यानी तेज़ दहार आलात और आतशगीर मादे वगैरह, इनफ्लेमेबल जो अशिया होती हैं वो भी अलाउ नहीं है। बड़े बड़े बैग और सामान, यानी कि आप कहीं सामने प्लाजा से, क्लॉक टावर से, सफवा टावर से या कहीं से भी शॉपिंग करके निकले अपने साथ बड़े बड़े बैग लेकर हरम पाक के अंदर जाना चाहें तो अब इसकी इजाज़त नहीं होगी आपको। इसके अलावा स्ट्रॉलर जिसमें बच्चे को डाल के लेके जाते हैं, टहलाते हैं, और स्ट्रॉलर या प्रैम्स जिनको कहते हैं, वो भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। ये सारी पाबंदियाँ हज और उमरा ज़ायरीन के लिए ही लागू की गई हैं, और ताकि वो आरामी से अपनी इबादत कर सकें और उनकी इबादत में किसी तौर पर कोई खलल ना पड़े। ख़ास तौर पर इबादत के औकात में, नमाजों के औकात में इन रुकावटों को कम किया जाए और रूहानी माहौल पैदा किया जाए, ताकि उमरा ज़ायरीन मुकम्मल तवज्जा के साथ अपनी इबादत कर सकें। सऊदी हुकाम ने उमरा अदा करने वाले मुसलमानों को हजूम से बचने की भी तलकीन की है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में उमरे के दिनों में यहाँ रश अपने अरूज पर पहुँच जाता है। और हज और उमरा की वजारत ने जोर दिया कि इस्लाम के मुकद्दस तरीन मुकाम ग्रैंड मस्जिद में भीड़ भाड़ से बचने के लिए परहेजगारी का मुजाहरा करें, पेशेंस का मुजाहरा करें, क्योंकि हर जगह नेक लोगों की यही निशानी है कि वो पेशेंस का मुजाहरा करते हैं, परहेजगारी का मुजाहरा करते हैं, और यहाँ तो धर्म पाक में इस चीज़ का अजर दो गुना हो जाता है। इसलिए तमाम जाने वाले ज़ायरीन और देगन नवाजियों से भी ये अपील की जाती है कि वह वसी व अरीज़ जगह पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर अमल करें, और वहाँ ख़वातीन और बुज़ुर्गों को तरजीह दें और उनकी मदद करें। तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर में ज़िंदगी में एक दफ़ा जाकर हज की सआदत हासिल कर सकें, लेकिन ऐसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के हज के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो हज पर जाने की इस्तेआत नहीं रखते, वो उमरा पर चले जाते हैं, और ख़ास तौर पे उनकी तरजीह होती है कि वो रमज़ान के महीने में उमरा पर जाएं, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। इसी सिलसिले में सऊदी वज़ीर हज उमरा तौफीकुर रबिया ने गुज़श्ता माह कहा था कि पिछले साल जो उमरा ज़ायरीन थी उनकी तादाद रिकॉर्ड 13.5 मिलियन थी। अब इस साल इस तादाद में मज़ीद इजाफा मतवक्का है, क्योंकि अब
ख्वातीन जो हजाज हैं उनको अब मर्द सरपरस्तों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने महरम की शर्त सऊदी हुकूमत ने अब ख़त्म कर दी है। तो उम्मीद की जाती है कि इस साल ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा इसलिए भी है कि रमज़ानुल मुबारक में उमरा करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि रमज़ान में उमरा करना हज के बराबर है, या फरमाया मेरे साथ हज करने के बराबर, और ये फजीलत रमज़ान के तमाम दिनों और रातों तक फैली हुई है। उमरा एहराम की हालत में दाखिल होकर खाना काबा का तवाफ़ करने, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने और अपने बाल मनवाने या तराश कर अल्लाह ताला की इबादत करने की रसूमात का मजमूआ है। इसमें बड़े फजाइल हैं, उमरे के बहुत फजाइल हैं। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र हज के साथ किया और हुक्म दिया कि अल्लाह की रजा की खातर इसे मुकम्मल और बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह के लिए हज और उमरा सही तरीके से करो। उमरा गुनाहों को मिटाता है और गुर्बत और हाजत को कम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हज और उमरा लगातार किया करो क्योंकि ये गुर्बत और गुनाह को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह धूंकनी लोहे की नजासत को दूर करती है। उमरा गुनाहों का कफारा भी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक उमरा से दूसरे उमरे तक इसके दरमियान होने वाले गुनाहों का कफारा है, यानी एक उमरे से दूसरे उमरे के दरमियान अगर कोई गुनाह हो जाता है तो वो जो उमरा दूसरा है वो इसके दरमियान होने वाले तमाम गुनाहों का कफारा है। इसके अलावा तवाफ का हर कदम नेकियों में इजाफा और गुनाहों की बख्शिश का सबाइस है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घर का तवाफ करने की फजीलत के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला तवाफ करने वाले के एक पाँव उठाने और दूसरे को नीचे रखने को ऐसे ही लेता है कि अल्लाह ताला इसके एक गुनाह को मिटा देता है और इसके बदले एक नेकी लिख देता है और इसके दर्जात को बुलंद कर देता है। तवाफ के बाद हाजी या मोतमर सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। सफ़ा से मरवा के दरमियान एक चक्कर लगाने को सही कहते हैं और इस तरह 7 चक्कर लगाए जाते हैं। सफ़ा और मरवा के दरमियान एक चक्कर होता है, फिर मरवा से सफ़ा के दरमियान दूसरा चक्कर और फिर सफ़ा से मरवा के दरमियान तीसरा चक्कर, इसी तरह 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इन चक्करों का अल्लाह ताला ने बड़ा अजर दिया है और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही इस वजह से है कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर शुक्र और अजर अता फरमाएगा। सफ़ा और मरवा के दरमियान सही का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें बताया कि वो अपने बंदे के काम को बखूबी जानता है और बंदे को इसका बदला देगा। अल्लाह ताला बखुद भी हमारे अमाल को जानता है, हमारे अच्छे कामों को जानता है और अल्लाह ताला बड़ा जानता है कि हम कितने खुशगवार गुजार हैं और अल्लाह ताला बेशक सब कुछ जानने वाला है और अल्लाह ताला हमें हमारे अच्छे अमाल का बदला ज़रूर देता है। तमाम उमरा और हज ज़ायरीन को चाहिए कि वो इस हरम पाक के तकद्दस का ख्याल रखें और वो इबादत के लिए इस पाक मुल्क में जा रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने जिसकी सरजमीन को पाक करार दिया है, मुकद्दस करार दिया है, तो वो उन तमाम पाबंदियों का ख्याल रखें जो वहाँ की गवर्नमेंट ने आप पर लागू की हैं। उम्मीद है आपको ये सब बातें मेरी पसंद आई होंगी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, ये गल्फ न्यूज़ ने दी थी जो कि मैंने आपको बताई है, और आइंदा भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हज उमरा से रिलेटेड आपको देती रहूँगी। हज के जो मनासक हैं और उमरा के जो मनासक हैं वो सब मैं आपको बताऊँगी। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस चीज़ से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जो उमरा पर जा रहे हैं या हज पर जाने वाले हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्ला। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अपने गिर्द नुमा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।